हल्द्वानी में जिला निर्वाचन विभाग के मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा पत्रकारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पेड न्यूज सहित इलेक्शन संबंधित सभी नियम कायदे कानून को विस्तार से बताया गया। इसके अलावा इलेक्शन में कवरेज के लिए आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए पत्रकारों से सुझाव भी लिए गए। इसके तहत ही एमसीएमसी कमेटी के नोडल विशाल मिश्रा ने बताया कि निष्पक्ष तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हो, इसके लिए समिति विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नजर रखेगी। इसके साथ ही राजनीतिक दल के निर्वाचन से संबंधित सभी विज्ञापनों, पेड न्यूज समाचारों पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, मैं आप सभी के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि इलेक्शन को लेकर के जनपद नैनीताल की सारी टीमें एकदम तैयार हो गई हैं। इसी क्रम में एक टीम हमारी एमसीएमसी की है, जो मीडिया सर्टिफिकेशन की टीम रहती है। तो इसमें इलेक्शन के दौरान जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, उनकी पेड न्यूज़ हो या जो भी मीडिया को ब्रीफिंग देनी है, जो भी डेटा रिलीज़ करना है, उस संदर्भ में एक प्रॉपर एक हमारा आपस में तालमेल बना रहे और सही सूचना जागरूक मतदाताओं तक पहुँच सके, तो उसके लिए हमने अपनी टीम के संदर्भ में आज एक बैठक भी की है और आप लोगों से वार्तालाप भी हुई है। आप लोगों के जो सुझाव हैं उसको भी हम लोग अपने आने वाले समय में जो भी हमारी कार्यप्रणाली उसमें सम्मिलित करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारी पूरी टीम एक निष्पक्ष चुनाव करा सके।